नमस्कार, मैं शिवानी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। ब्रिटिश उपनिवेशों में आज के दिन लागू किया गया था स्टैंप एक्ट। ब्रिटेन और उसके उपनिवेशों में 1 नवंबर 1965 को स्टैंप एक्ट लागू किया था। इसके तहत वाणिज्यिक और कानूनी कागजों पर सीधे टैक्स लगाकर राजस्व एकत्रित करने का ब्रिटिश संसद का ये पहला प्रयास था। दरअसल यूरोपीय युद्धों में ब्रिटेन की भागीदारी ने उसके संसाधनों को समाप्त कर दिया था। इससे ब्रिटिश सरकार को लगा कि अब उपनिवेशकों को इस बोझ का एक हिस्सा साझा करना चाहिए। इसलिए 1765 में ब्रिटिश संसद ने स्टैंप अधिनियम पारित किया, लेकिन उपनिवेशों में कड़े विरोध के बाद 1766 में इसे निरस्त कर दिया गया। लेकिन 1767 में एक घोषणा पत्र पारित किया जिसमें उपनिवेशों पर कर लगाने के लिए ब्रिटिश संसद के अधिकार का उल्लेख किया गया। देश में आज के दिन चितरंजन रेल कारखाने में बनाया गया था पहला भाप इंजन। चितरंजन रेल कारखाने में 1 नवंबर 1950 को देश का पहला भाप इंजन तैयार किया गया था, लेकिन 1771 में तेज गति के रेल इंजनों की मांग को देखते हुए इसका उत्पादन बंद कर दिया गया। इसके बाद चितरंजन रेल कारखाने में डिजिटल इंजन बनाए जाने लगे। भारतीय रेलवे में बदलाव का यह सिलसिला आज भी जारी है। देश में रेल ट्रैक की लंबाई 64,000 किलोमीटर से अधिक है और अगर इसमें यार्ड साइडिंग्स आदि को जोड़ दिया जाए तो ये लंबाई 1,10,000 किलोमीटर से ज़्यादा हो जाती है। देश में सबसे पहले मुंबई के ठाणे के बीच 1853 में रेल सेवा शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद आज के दिन भड़के थे सिख विरोधी दंगे। 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों ने हत्या कर दी थी। इसके बाद राजधानी दिल्ली सहित देश के कई इलाकों में 1 नवंबर 1984 को सिखों के खिलाफ दंगे भड़क उठे थे। 31 अक्टूबर को हिंसा दिल्ली में एम्स के आसपास के क्षेत्र तक सीमित रही थी, लेकिन इसके अगले दिन 1 नवंबर को देश के 40 से अधिक शहरों में हिंसा फैल गई थी। दिल्ली में दंगों से सबसे ज़्यादा प्रभावित सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, त्रिलोकपुरी और ट्रांस यमुना क्षेत्र रहा था। दंगों में 3,000 से अधिक सिख मारे गए थे और कई हजार सिख परिवार विस्थापित हुए थे। आजादी के बाद आज के दिन हुआ था मैसूर राज्य का गठन। स्वतंत्रता के बाद कन्नड़ भाषियों की अधिकता वाले विभिन्न क्षेत्रों का एकीकरण कर मैसूर राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत किया गया था। 1973 में इस विस्तारित मैसूर राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया था। कर्नाटक को कर्नाटक भी कहते हैं। इसकी सीमाएं पश्चिम में अरब सागर, उत्तर पश्चिम में गोवा, उत्तर में महाराष्ट्र, पूर्व में आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु एवं दक्षिण में केरल से लगती है। कर्नाटक शब्द का उद्गम कन्नड़ शब्द करू से माना जाता है। ब्रिटिश राज्य में यहाँ के लिए कार्नेटिक शब्द का प्रयोग किया जाता था जो मूलतः कर्नाटक शब्द का अपभ्रंश है। आज के दिन हुआ था मिस वर्ल्ड और एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय का जन्म। कर्नाटक के मंगलुरु में 1 नवंबर 1973 को जन्मी ऐश्वर्या राय 1994 में मिस वर्ल्ड बनी थी और उसके बाद बॉलीवुड में खूब नाम कमाया। ऐश्वर्या ने अभिनय की शुरुआत तमिल फिल्म इरुवर से की थी और उनकी पहली हिंदी फिल्म और प्यार हो गया थी। ऐश्वर्या की पहली कॉमर्शियल सफल फिल्म जीन्स रही। ऐश्वर्या राय ने हिंदी और तेलुगु के अलावा तमिल, बंगाली और अंग्रेजी फिल्मों में भी काम किया है। उन्हें 2 फिल्मफेयर पुरस्कार मिला है और भारत सरकार ने पद्मश्री से भी सम्मानित किया है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। और अब आज का राशिफल। आज का राशिफल ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञान भूषण जी द्वारा 1 नवंबर दिन रविवार। आज के भाग्य की विषय वस्तु है यश प्रतिष्ठा। मेष, आपकी यश प्रतिष्ठा के लिए भाग्य 81%। छात्रों के लिए समय थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है। ऋण भार से मुक्ति मिलेगी। नौकरी में तरक्की हो सकती है। बाहरी स्थानों से हानि संभव है। रुके हुए काम बनने के योग हैं। शुभ रंग लाल सिंदूरी तथा निषेध रंग नीला काला। वृष, आपके यश प्रतिष्ठा के लिए भाग्य 52%। कार्य क्षेत्र में आप कड़ी मेहनत करेंगे। आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। प्रोफेशनल लाइफ में अच्छे अवसर मिलेंगे। कामयाबी आपके साथ होगी। यात्रा के योग हैं शुभ रंग सफेद लाल तथा निषेध रंग सलेटी काला। मिथुन, आपके यश प्रतिष्ठा के लिए भाग्य 70%।
आपकी आय बढ़ेगी, बेरोजगारों को नौकरी के लिए अभी और भाग दौड़ करनी पड़ सकती है, आर्थिक स्थिति में सुधार के योग हैं। शुभ रंग हरा लाल, निषेध रंग पीला सफेद। कर्क, आपके यश प्रतिष्ठा के लिए भाग्य 55%। नए सहयोगी मिलेंगे, आपका रुका हुआ काम गति पकड़ेगा। वित्तीय मामलों से जुड़े फैसले कुछ समय के लिए टाल दें, आपके खर्च बढ़ेंगे। प्रोफेशन में विपरीत लिंग के व्यक्ति से मदद मिल सकती है, स्थान परिवर्तन के योग हैं। शुभ रंग नारंगी लाल तथा निषेध रंग हरा काला। सिंह, आपके यश प्रतिष्ठा के लिए भाग्य 91%। कोई शुभ समाचार संभव है, सेहत में मंद गति से सुधार होगा। कोई भी निर्णय लेने से पहले परिजनों में किसी अंतरंग अथवा विश्वास पात्र व्यक्ति की सलाह लेना जरूरी होगा। नए मित्र बनने के योग हैं। शुभ रंग लाल गुलाबी सिंदूरी तथा निषेध रंग नीला काला हरा। कन्या, आपके यश प्रतिष्ठा के लिए भाग्य 71%। भाग्य को भी अपने इर्द गिर्द महसूस करेंगे, परिणामों का असर मिला जुला रहेगा। कुछ मोर्चों पर समझौता करना पड़ सकता है, आपका परिश्रम व्यर्थ हो सकता है। कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्ति के योग है। शुभ रंग हरा लाल तथा निषेध रंग मस्टर्ड सिंदूरी। आपके यश प्रतिष्ठा के लिए भाग्य 42%। कोई परेशानी आ सकती है, परंतु आप उसे आसानी से हल कर लेंगे। धार्मिक यात्रा को व्यस्तता के चलते निरस्त करना पड़ सकता है, निराशा रहेगी। संतति से संबंधित उपलब्धि से गर्व का अनुभव होगा, स्थान परिवर्तन के योग हैं। शुभ रंग लाल तथा निषेध रंग सफेद। वृश्चिक, आपके यश प्रतिष्ठा के लिए भाग्य 76%। किसी परिजन को लेकर भी चिंता रह सकती है, अनुकूल समय का लाभ उठाएं। रुका हुआ कार्य पूर्ण होगा, परीक्षार्थियों को अपेक्षित परिणाम ना प्राप्त होने से निराशा के योग है। शुभ रंग लाल सिंदूरी तथा निषेध रंग भूरा काला। धनु, आपके यश प्रतिष्ठा के लिए भाग्य 72%। जल्दबाजी में अपना मोटा पैसा किसी गलत योजना में लगा सकते हैं, सब्र से काम लें। पेशेवर स्तर पर अपनी क्षमता साबित करने में सफल रहेंगे, योजना बनाकर सूझबूझ के साथ अपने कार्यों को करते जाएं। कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों से सहयोग के योग है। शुभ रंग पीला बसंती लाल तथा निषेध रंग हरा काला। मकर, आपके यश प्रतिष्ठा के लिए भाग्य 46%। नौकरी की दृष्टि से समय लाभप्रद रहेगा, आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा, परंतु अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उत्साह एवं पराक्रम बड़ा चढ़ा रहेगा, कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग गुलाबी तथा निषेध रंग काला। कुंभ, आपके यश प्रतिष्ठा के लिए भाग्य 47%। किसी महत्वपूर्ण कार्य की सिद्धि के योग है, भाग्य भी आपके साथ है। विशेष रूप से अपने प्रदर्शन पर ध्यान दें, बहुप्रतीक्षित कार्य के संपन्न होने की संभावना है। कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग प्राप्ति के योग है। शुभ रंग गुलाबी तथा निषेध रंग सलेटी। मीन, आपकी यश प्रतिष्ठा के लिए भाग्य 78%। नौकरी पेशे वर्ग के लिए समय अनुकूल है, नौकरी पेशे लोगों को अच्छी खबर मिलने के योग है। निवेश करते समय पूरी तरह सावधान रहें, व्यापार विस्तार की योजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर पाने के योग है। शुभ रंग पीला लाल गुलाबी तथा निषेध रंग हरा काला सलेटी। सभी के लिए दिन का नकारात्मक प्रभावी समय 5:34 से 7:18 तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञानभूषण जी को 0121-266-888 या 0983-706-0046 पर। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।